हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं अनफिल टोरिया आज की स्पेशली वीडियो लेके आऊँ अडोबे फोटोशॉप के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे चेहरे पे कुछ पिंपल्स दिख जाते हैं और उसे हम नॉर्मली फ़ोन से एडिट नहीं कर पाते कभी कभार। तो आज मैं अडोबे फोटोशॉप पे गूगल से एक इमेज निकालूंगा, तो उस पर मैं थोड़ी सी एडिट करके दिखाऊँगा कि कैसे हम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसका चेहरा क्लीन कर देंगे। चलो चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें मैं सीधा जाऊंगा कस्टम पे और इसे मैं क्रिएट कर लूंगा और फिर मैं जाऊंगा फाइल पे जाके मैं प्लेस एंड एम्बेड करके इसमें मैंने जो फोटो ले रखी है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मेरे पास है ये वाली फोटो, कि मैंने ये वाली फोटो ले ली है। अब मैं इसका साइज बड़ा कर लूंगा शिफ्ट की हेल्प से। जैसे मैंने ये बड़ा कर लिया है तो इसे मैं एंटर दबा दूंगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कितने रेड रेड से आपको दिख रहे होंगे पिंपल से, या जो भी आपको दिख रहा होगा इसमें जो इनकी स्किन डैमेज हो चुकी है। तो मैं साफ करके दिखाऊंगा कि ऑटोमे फोटोशॉप में कैसे हम इसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसमें जाऊंगा सबसे पहले, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हीलिंग ब्रश, इस पर क्लिक करूंगा नॉर्मली और हम क्या करेंगे आर्ट की हेल्प से इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ, वैसे हम ये ले लेंगे आर्ट की हेल्प से। ऐसे हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने स्किन ली है ये वाली, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है नॉर्मली और इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। और अब मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसका साइज। ऐसे हम इसकी जितने भी इधर जितने भी पिंपल्स है और जितने भी इनकी स्किन डैमेज है उसे हम नॉर्मली क्लियर कर लेंगे हीलिंग ब्रश की हेल्प से। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इधर से साफ कर लेंगे। जैसे आप अपनी भी स्किन क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी कोई सी फोटो बहुत अच्छी खींची हो तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो और उसे क्लियर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पहले कैसी थी ये, इधर रेड रेड से पिंपल्स है और मैंने ये स्किन ली थी और यहाँ से मैंने इसे एडिट कर लिया। यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला हीलिंग ब्रश टूल जो मैंने आपको पहले भी बताया था हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी स्किन को आप साफ कर सकते हो, जैसे कि पिंपल्स आ रहे हो तो उसकी हेल्प से आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ये स्किन ये वाली स्किन लगा के आप इधर अप्लाई कर सकते हो और इसको क्लियर कर सकते हो। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर ही। अब मैं ले लेता हूँ एक फोटो ले लेता हूँ मैं और इधर मैं ये लगा लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ उसे शिफ्ट की हेल्प से थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं यहाँ तक। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी इनके रेड रेड से स्किन डैमेज हो चुकी है। अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ हीलिंग ब्रश टूल का कमाल। आपको क्या करना, आर्ट प्रेस करना है और ऐसे क्लिक करना है किसी भी स्किन के यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है।
अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मैंने ये अप्लाई किया है। अब एक और हम इमेज ले लेते हैं, अब ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा होगा इधर कैसे स्किन डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेट कर लेता हूँ मैं इमेज को यहाँ पे ऐसे। और दोबारा से मैं इसमें यूज़ करूँगा हीलिंग टूल कमांड, ठीक है। अब चलते हैं हीलिंग टूल कमांड की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर मैं क्या करूँगा इसे आर्ट की हेल्प से ऐसे प्रेस कर लूँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा ऐसे। और जितनी स्किन दिख रही होगी आपको ये साफ हो जाएगी ऐसे। But for the woman who killed, only one question really matters. Does she get away with it? Yes, आप कोई सी भी इमेज लेके आप कुछ भी एडिट कर सकते हो। इसके हेल्प से आप अपने स्किन को और भी ग्लोरियस बना सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।